व्हाट इज दिस होल हुपला अराउंड ओपन एआई, व्हाट इज दिस अबाउट चैट जीपीटी, है ना, ये एलएलएम्स बोलते हैं, कोई लैंग्वेज मॉडल्स बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ये होता क्या है सब कुछ, एटलीस्ट ये तो पता कर लो। हाय, दिस अंकुश, एंड यार आई एम श्योर तुम सबको, बहुत लोग इधर उधर से बोल रहे हैं चैट जीपीटी से क्या होगा, ओपन एआई से क्या होगा, एआई जॉब ले जाएगा, या एआई को यूज़ करके कुछ कर सकते हैं क्या। सो आई एम जस्ट गोइंग टू ट्राई एंड आंसर एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल सो दैट ऑल दीज डाउट्स सॉर्ट ऑफ गो अवे और एटलीस्ट गेट रिस्ट्रिक्टेड टू अ सर्टेन लिमिट, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक एक चीज़ जो हम सबको करने की ज़रूरत है इज़ टू एक्नॉलेज कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल चीज़ है, राइट। सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक कि कुछ आया है, एक्साइटिंग लग रहा है, सबको इसके बारे में बात कर रहा है और थोड़े टाइम बाद चला गया, ऐसा नहीं होने वाला है। दिस इज़ गोइंग टू बी गेम चेंजर, दिस इज़ गोइंग टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स, हाउ थिंग्स वर्क, एंड आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल दी कंपनीज आर थिंकिंग कि इसको यूज़ करके क्या करें। हर कोई एक्सप्लोर तो कर रहा है, कम से कम कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ जो करेंगे वो अच्छा करने लग जाएंगे, तो फिर जो नहीं कर रहे हैं वो धीरे धीरे कैचअप करेंगे और फिर वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करेंगे। सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज विल स्टार्ट यूजिंग इट, मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स, मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स विल हैव टू डू समथिंग अराउंड दिस, राइट, सम सॉर्ट ऑफ वर्क अराउंड इट, तो काम तो होगा। तो ये पासिंग फेज नहीं है, दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया, दिस इज समथिंग दैट हैज, दैट इज रियली गोइंग टू इम्पैक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स। विल दिस टेक अवे जॉब्स? सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जरूरत ही खत्म हो जाएगी क्या? सो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बहुत जल्दी तो ऐसा कभी कुछ नहीं होने वाला है। एंड जब होगा तब क्या होगा, ये नहीं होगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जरूरत नहीं होगी, ऐसा होगा कि जिस टाइप का काम हम आज कर रहे हैं उस टाइप का काम नहीं कर रहे होंगे, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का काम कर रहे होंगे। टेक्नोलॉजीज तो पहले भी आती जाती रहती है, अब कोई PHP थोड़ी यूज़ करता है, पहले सब लोग PHP यूज़ करके कोड कर रहे होते थे, अब नहीं करते हैं। सो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अब टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें नया चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। एंड सिमिलरली हेयर ऑल्सो यू माइट हैव टू लर्न न्यू स्टफ, बट डज नॉट मीन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की नीड खत्म हो जाएगी। नेट आई एम एब्सोल्युटली श्योर दिस इज गोइंग टू लीड टू पॉजिटिव इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर रिक्वायरमेंट्स। वाई? बिकॉज सी, जब भी ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल आता है, कुछ और कंपनीज ऐड हो जाती हैं जो सोचती हैं कि हाँ यार टेक में कुछ कर लेते हैं वरना तो बंद होना पड़ जाएगा। सो जैसे ही ऐसा होता है कि और कंपनीज रियलाइज करती है कि हाँ यार ये टेक्नोलॉजी को हमें यूज़ करना है, वैसे वैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। एक बार अभी रिसेंटली कब हुआ था, कोविड के टाइम पे हुआ था। जैसे ही कोविड आया, जो कंपनीज टेक्नोलॉजीज को अच्छे से यूज़ कर रही थी दे वर एबल टू सर्वाइव, सम ऑफ द कंपनीज वर नॉट यूजिंग टेक्नोलॉजी, दे हैड टू रियली रियली रश फास्ट एंड फाइंड अ वे टू सॉर्ट ऑफ मेक देयर ऑपरेशंस वर्क एंड फाइंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस अराउंड इट। सो कोविड के बाद भी एक जंप आया था इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेवलपर रिक्वायरमेंट्स या नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट पे। सिमिलरली यहाँ पर होने वाला है, नेट पॉजिटिव होगा, बट क्या होगा, टेक्नोलॉजी में एक शिफ्ट आने का चांस है जो अभी एकदम इंस्टेंट नहीं होगा। आई थिंक इट माइट टेक 5 to 10 years व्हेन सम ऑफ द थिंग्स दैट वी यू डू राइट नाउ वी माइट हैव टू डू इट डिफरेंटली। जब भी ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो एक चीज़ बस होती है, जो लोग खुद को अपस्किल नहीं करते हैं, जो लोग मूव फॉरवर्ड नहीं करते हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। सो दिस इज अ पॉइंट वेयर वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज इट, व्हाट इज दिस होल हुपला अराउंड ओपन एआई, व्हाट इज दिस अबाउट चैट जीपीटी, है ना, ये LLMs बोलते हैं, कोई लैंग्वेज मॉडल्स बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ये होता क्या है सब कुछ, एटलीस्ट ये तो पता कर लो। देखो, नाउ देयर आर 2 parts. 1, हाउ कैन आई डू माय जॉब बेटर यूजिंग दीज टूल्स, इवन इफ आई एम डूइंग फुल स्टैक डेवलपमेंट, इवन इफ आई एम डूइंग एंड्रॉयड डेवलपमेंट, कैन आई यूज दीज टूल्स टू इम्प्रूव माई एफिशियंसी। दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट ऑल ऑफ यू शुड मेक श्योर दैट यू थिंक अबाउट एंड फाइंड वेज टू मेक योर सेल्फ मोर एफिशियंट, राइट। दैट्स समथिंग दैट्स गोइंग टू हैपन। जैसे ही जो भी बंदा डेवलपर इन टूल्स को यूज़ करना शुरू करता है, 2-3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, अभी क्या करते हो तुम, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो जाओगे स्टैक ओवरफ्लो पे, गूगल पे जाओगे, ढूंढने में टाइम लगता है, पोटेंशियली चैट जीपीटी तुम्हारे लिए बहुत फटाफट आंसर दे देगा, दैट विल हेल्प इम्प्रूव योर एफिशिएंसी वेरी वेरी क्विकली। तो एक चीज़ तो वो कर ही लेनी चाहिए डेफिनेटली। एंड दूसरी चीज़ क्या है, देखो तुम लोगों को जब टेंशन होती है ना कि जॉब चली जाएगी, यू नीड टू रियलाइज यू आर वर्किंग ऑन अ न्यू सिस्टम, राइट। तुम कुछ बना रहे हो, तुम कुछ बिल्ड कर रहे हो जो किसी ने बनाया नहीं है पहले, तो उसके अंदर अभी भी अगर तुम देखोगे ये टूल्स बहुत अच्छे नहीं है, बट जो भी तुम बना रहे हो उसके कुछ कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट्स होंगे। कोई भी ऐप बना रहे हो तो लॉगिन फ्लो होगा, कोई भी चीज़ बिल्ड कर रहे हो तो शुरू में डेटाबेस सेटअप करना होगा, इन सब का कोड, इन सब का प्री एग्जिस्टिंग कोड, कुछ क्वालिटी कोड तुम्हें चैट जीपीटी से मिल सकता है। सो यू शुड यूज़ दैट एज वेल। आई एम टेलिंग यू 2 things जहाँ पर हमें चैट जीपीटी यूज़ करके खुद को एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है। 1,
wherever you have doubts, wherever you want to go to Stack Overflow, Google to find some answers, I think ChatGPT will do a much faster job at sort of taking care of that. Secondly, अगर कुछ बहुत ही basic basic small part of our code है जो हमें लगता है कि यार ये तो pre-existing होने चाहिए, मुझे web page को crawl कैसे करना है, right, मेरे को वो लिखना है, तो यार वो existing मिल जाएगा, and अगर तुम ChatGPT को बोलोगे तो तुम्हें decent code लिख के दे देगा, depending upon the language you wanted to write it in, वो तुम्हें दे देगा. तो प्लीज़ इन दो चीज़ों में तो एटलीस्ट तुम्हें ChatGPT को अच्छे से यूज़ करना चाहिए फॉर यू टू बी मोर एफिशिएंट. ये तो हो गया हम जो काम कर रहे हैं उसके अंदर एफिशिएंसी कैसे लाएं. बट आई थिंक इफ यू आर अ स्मार्ट डेवलपर यू शुड नॉट स्टॉप देयर, यू नीड टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप. एज आई सेड ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज आर थिंकिंग ऑफ इसको यूज़ कैसे करें अपने सिस्टम के अंदर. तो यार वो यूज़ करने के लिए डेवलपर्स ही तो करेंगे ना, तो तुम्हें उसके नेक्स्ट लेवल पे जाना होगा, तुम्हें समझना होगा that how do you use these systems. First is just using the pre-existing systems, right? All of them have APIs. How can we use those APIs? और अपने system को improve कैसे कर सकते हैं, अपने system को better कैसे कर सकते हैं, using those APIs, using these tools which are freely available, उनको use करके हम अपने system को कैसे improve कर सकते हैं. I think that's the first level of thinking that we need to build. यार existing solutions को use करके मैं APIs वगैरह use करके बढ़िया system कुछ बना पाऊँगा. ये तो अभी ऑलमोस्ट सब कंपनीज कर रही हैं, बट मोस्टली जो बड़ी कंपनी है वो एक स्टेप आगे जा रही है. वो कह रही है कि यार मैं माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर या ओपन एआई के ऊपर क्यों डिपेंडेंसी लाऊंगा, मेरे को तो ये लैंग्वेज मॉडल्स खुद से बनाने हैं, मेरे को तो डेटा साइंटिस्ट एआई के लोग हायर करने हैं जो ये लैंग्वेज मॉडल्स खुद से बनाएंगे यूजिंग माई डेटा. अगर एक कंपनी है जिसके पास मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा है तो फिर वो सिर्फ रिलाई नहीं करेगा ChatGPT के ऊपर या ओपन एआई के ऊपर कि वो कुछ करेंगे, वो उस डेटा को यूज़ करके, और अब उन्होंने प्रूव कर दिया यार ये हो सकता है, तो उन्होंने कर दिया तो हम भी कर सकते हैं. तो बड़ी कंपनियां जनरली ये बोल रही हैं कि मैं अपने पूरे डेटा को यूज करके इन मॉडल्स के ऊपर काम करूंगा. सो इफ यू वांट टू अपस्किल योरसेल्फ इन दिस डायरेक्शन, द फर्स्ट लेवल आई सेड इज जस्ट यूज APIs ऑफ दीज एग्जिस्टिंग सिस्टम्स एंड लर्न हाउ यू कैन यूज दीज APIs टू इंटीग्रेट दीज न्यू टूल्स विद इन योर सिस्टम, विद इन योर कोड बेस, विद इन योर एप्लीकेशन. द सेकेंड आई एम सेइंग इज if you want to go beyond, learn AIML, learn how to build these models, because that is where a lot of jobs will come up, that is where you will not find a lot of people who are really good at, and agar tum acche ho jaoge to automatically tumhari demand bahut zyada badh jayegi. And jitni bhi badi companies hain wo sirf sari ki sari ye nahi bolne wali ki yaar main ChatGPT use kar leta hu, yaar Microsoft ka hai, hai na, theek hai, आधी कंपनी को तो लगेगा कि हमारा कंपटीशन है, हमें नहीं करना चाहिए. सेकेंडली अगर मेरे पास इतना सारा डेटा है, मैं वो डेटा उठा के तो दूंगा नहीं, एंड जो भी मैं अपना AI मॉडल बनाना चाहता हूँ वो तो मैं अपने डेटा के हिसाब से बनाना चाहूँगा ना, तभी तो यूजफुल होगा. सो आई थिंक दैट्स वेयर द रियल पावर इज गोइंग टू बी. यू नीड टू लर्न एंड गेट बेटर एट AIML इफ दैट इज अ फील्ड दैट यू गेट एक्साइटेड अबाउट. डोंट जस्ट प्ले अराउंड विद ChatGPT. Go beyond, learn these skills, and it's really going to be powerful. Coding Ninjas ka bhi course hai. If you want to explore that, feel free to do that. Go and explore the course. But otherwise, nahi bhi karna hai wahan se to yaar, but please seek. That is more important, right? And you will find lots and lots of article everywhere. 400 million job jaane wali hai, 200 million job jaane wali hai, 2 crore software developers ka ye ho jayega, kiska kya ho jayega. Main bata raha hu ye sab. इतने बड़े नंबर्स पे किसी का कुछ नहीं होगा, छोटे नंबर पे होगा. सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की बात कर रहा हूँ, नॉन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बहुत सारे लोगों के लिए इशू हो सकता है, बट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के केस में अगर तुम खुद को अपस्किल नहीं करोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होने वाली है. ओके, थैंक यू.